आदाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और ये जो सेशन है लैंग्वेज उर्दू के से मुतल्लिक है और यहाँ पर जो गज़ल के शायकीन हैं उनके तो समझ लिए लॉटरी लगने वाली है। गज़ल का जायका क्या है, कैसे इसको सीखना चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए और ये सारी चीज़ें इस सेशन से नमूद हो जाएंगी और आपको बहुत तसल्लीबख्श इसको देखने की ज़रूरत है। कहाँ देखेंगे चलिए जल्दी से बता देता हूँ। प्रधानमंत्री विद्या चैनल का जो चैनल नंबर 9 है उसे आप ट्यून इन करेंगे तो वहाँ इस प्रोग्राम से जुड़ पाएंगे, रूबरू हो पाएंगे। साथ ही एनसीईआरटी ऑफिशियल का ये यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप इस प्रोग्राम से सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। क्या है कुछ खास, चलिए गज़ल का मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो टॉपिक वो है उनवान हसरत की गज़ल, और हसरत की गज़ल कैसी रहने वाली है वो अभी थोड़ी सी देर में मालूम चल जाएगा। अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर आप टिक टेक टेलीफोन नंबर देख रहे हैं, अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है तो आप ज़रूर सख्त सवाल है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये नंबर डायल करेंगे 8800440559। इसके अलावा आप अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं, पैगाम दे सकते हैं मेल आई डी पर dts.class9@cit.nic.in पर। चलिए अब समय हो गया है, वक्त हो गया है अपने एक्सपर्ट से आपका तारुफ कराने का। बहुत बहुत तो खैर मकदम है प्रोफेसर मोहम्मद माजुबुद्दीन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लैंग्वेजेस एनसीईआरटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों आदाब। तो हसरत की गज़ल एक एक मिसरा मेरे सामने है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद फिर यहीं से हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम। क्या कमाल का ये मिसरा है, अगले की मुकम्मल नहीं है। इससे पहले कि हम आगे की बात करें, इस मिसरे से एक छोटा सा प्रश्न भी रखूंगा कि इसके जो शायर हैं उनका भी तारुफ आप हमारे दर्शकों से कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस गज़ल के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं वो हसरत मुहानी के बहुत अहम शायर हैं और शायरी के साथ साथ ये बहुत बड़े मुजाहिदे आज़ादी यानी फ्रीडम फाइटर भी थे। ये 19वीं सदी के आखिरी में से लेकर 1951 तक इनका ज़माना है और इनका पूरा नाम तो सैयद फजलुल हसन है और इनका तखल्लुस हसरत है। चूँकि मोहान के रहने वाले थे तो इसलिए उसके नाम के साथ मोहानी लग गया तो हसरत मोहानी हो गया। ये उन्नाव कस्बा यानी कानपुर के आगे जब आप चलेंगे तो एक ज़िला पड़ता है उन्नाव, उन्नाव का एक कस्बा है, मोहान वहीं के रहने वाले थे। इनकी तालीम इब्तदाई तालीम तो घर पर और मकतब में हुई, उसके बाद जो है बाद में ये वहाँ मिडल स्कूल में जो है मिडल मोहन स्कूल में दाखिल हुई है, वहाँ से मिडल पास किया और फतेहपुर से जो है इंट्रेंस पास किया और फिर उसके बाद जो है वहीं पर इनकी तालीम अरबी और फारसी की भी हुई। उसके बाद ये अलीगढ़ में चले गए, अलीगढ़ में उस फतेह में वो कॉलेज यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, उस कॉलेज में गए तो वहाँ उनका चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक ख़ास अहमियत है, वहाँ के तलबा बहुत तालीम के साथ साथ बहुत ही हाजिर जवाब भी होते हैं। तो जिस अंदाज़ से जब इनको वहाँ के तलबा ने देखा स्टूडेंट्स ने, तो चूँकि जिस अंदाज़ से गए तो जो इनका लिबास था चलने फिरने का अंदाज़, तो इनके एक हाथ में छतरी थी और दूसरे हाथ में पानदान था और लड़कों ने वहाँ के देखते ही इनको खाला जान का लकब दे दिया। तो खाला जान के लकब से बहुत दिनों तक मशहूर रहे, लेकिन चूँकि बासलाहियत थे, बड़ी अच्छी लियाकत थी इनके, तो धीरे धीरे वो खाला जान वो लकब ख़त्म हो गया और मौलाना के नाम से मशहूर हुए। तो इस तरह मौलाना हसरत मुहानी इनको कहा जाता है। ये जिनके साथ साथ ये भी था कि वहाँ जो यूनियन थी उसके जलसों में बड़ी अच्छी तकरीर करते थे और मुशायरे भी पढ़ते थे, मुबाहसा भी करते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो वहाँ बहुत ही एक्टिव थे ये और इनको ग़ुलामी से बड़ी सख्त नफरत थी। अंग्रेज़ों के बड़े शिद्दत पसंदी के साथ इन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत की मुखालफत की, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ यहाँ पर हुकूमत करें और अंग्रेज़ों की मुखालफत करते करते कई बार बल्कि 3 बार इनको जेल भी हुई मुख्तलिफ वक्तों में। कहा गया कभी तो इनका एक रसाला निकालते थे उर्दू मौल्ला, अंजुमन उर्दू मौल्ला कायम हुई थी, उसके ये नाज़िम भी रहे यानी एडमिनिस्ट्रेटर थे। उसके बाद वहाँ 1903 में एक रसाला निकाला, अंजुमन उर्दू मौल्ला निकाला, उसके बाद उसमें एक बागियाना मदमून छपा इनका, इसकी वजह से इनको हुकूमत ने इस पे मुकदमा चलाया, इनको जेल कर दिया, 500 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया। अब ये 1903 की बात है, जाहिर बात उस वक्त 500 रुपया जुर्माना एक खासी रकम थी। जुर्माना अदा न करने की वजह से हुकूमत बरतानिया ने इनका कुतुबखाना यानी लाइब्रेरी इनकी जब्त कर ली और उसको नीलाम कर दिया, जिसका हसरत को बहुत अफसोस रहा। जाहिर बात है कि कोई भी कुतुबखाना या लाइब्रेरी तैयार करता है अपनी तो बड़ी मेहनत से और बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसकी ज़रा परवाह नहीं की और लेकिन उनके इरादे में उनके जज्बे में सदाकत में कहीं कोई कमी नहीं आई, वो उसी तरह जो है अपना काम करते रहे।
और तहरीक आज़ादी के में बड़ी सरगर्म वाबस्तगी थी। काम ये इंतहा पसंद ग्रुप से इनका ताल्लुक था। उस वक्त दो दल थे, एक नर्म दल कहलाता था, एक गर्म दल जिसको हम गर्म दल कहते हैं या इंतहा पसंद ग्रुप कहते हैं, उससे इनका ताल्लुक था। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले तहरीक आज़ादी के सिलसिले में इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मुहानी ने ही दिया, तो जिसकी वजह से इस इनकलाब जिंदाबाद के नारे से तहरीक आज़ादी में एक नई जान पड़ी, इसमें एक नई रूह फूंकी गई और लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा वाबस्ता हो गए जो है। और दिसंबर 19 में इनकी ख़ास बात यह भी है कि महात्मा गांधी के बहुत पहले तकरीबन 20 साल पहले इन्होंने दिसंबर 1921 में मुकम्मल आज़ादी यानी कम्प्लीट फ्रीडम का नारा दिया था कि एक मुकम्मल आज़ादी हमें चाहिए और उसके बगैर हम नहीं रह पाएंगे। तो इस इनका एक बहुत बड़ी खूबी थी कि उन्होंने मुकम्मल आज़ादी का नारा दिया। उसके बाद ये 1946 में यूपी असेंबली की मेंबर हुई और आज़ादी के बाद पार्लियामेंट के मेंबर ये मुंतखब हुई। ये इनकी ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जाहिर बात है कि यहाँ मुख्तसर तौर पे ही बात की जा सकती है। और इनका फ़न हम देखें तो जाहिर बात है कि जिस तरह से इनकी मुसीबतों से ज़िंदगी गुजरी तो वहाँ परेशानियाँ बहुत थी, बहुत सारी मुसीबतें थी, लेकिन उनके फ़न में कहीं उसका जिक्र नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, सिवाय एक शेर के बहुत मशहूर है जो उनका कि है मश्क सुखन जारी चक्के की मशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। यानी जेल में तो एक तरह वो चक्की की मशक्क़त यानी चक्की पीस रहे हैं और शायरी भी कर रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रही है, तो एक अजीब तबीयत लेकर आए। तुरफा तमाशा कहते हैं, अजीब तमाशा, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो इनके अच्छा 12 बरस की इन्होंने उम्र में इन्होंने शायरी शुरू की। उसके बाद इनके यहाँ जो है इश्क कहने का मतलब यह है कि इनके यहाँ इश्किया मजामीन की फरावानी है। इनका इश्क हकीकी नहीं बल्कि मजाजी है। इश्क हकीकी वो होता है जो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात से उसका जिक्र किया जाए, और इश्क मजाजी वो होता है जो इंसानों से जो जिक्र किया जाए, उसको उर्दू शायरी में इश्क मजाजी कहा गया है। तो हसरत की पूरी शायरी जो है वो इश्क मजाजी के इर्द गिर्द घूमती है और सच्चे जज्बात वारदात की या इनकी शायरी है, महसूसात की शायरी है, जो कुछ इन्होंने महसूस किया उस तरह से इन्होंने उसको गज़ल में पेश किया। और इनकी एक बड़ी खूबी यह है कि ये वो ज़माना था जब इनका गज़ल बहुत बदनाम हो चुकी थी, हर तरफ से नरगे में थी, यानी उसको घेर रखा था। कुछ लोगों ने कहा कि इसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए, किसी ने कहा कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, रिजा ख्याली है, इसकी इमारत तामीर कर वो ढा देनी चाहिए। तो किस दौर की बात मतलब है ये गज़लों का, तो एक अलग ही इतिहास। 1875 में एक तहरीक चली थी जो है कि गज़ल की तरह ही मुशायरा दिया जाता था, नहीं एक मिसरा दे दिया जाता था, लोग उस पर जितने भी शुरा होते थे अच्छा। वो तबाह आजमाई करते थे, लेकिन 1875 में कर्नल हाल राइट मोहम्मद हुसैन आज़ाद वगैरह ने यह किया कि अब तरह ही मुशायरा न देके मुख्तलिफ नज़मों को उनवानात दिए जाएँ, उनवानात पर नज़में लिखवाई जाएँ, यानी गज़ल से तरह की तरफ लोगों का रुझान कम हो। उनका कहने का मतलब कि गज़ल में इश्क आशिकी की बातें होती है, उतने इश्क की बातें होती है जो हमारे लिए जो है मुनासिब नहीं है, लेकिन वहाँ जब उसके फ़न को नहीं देखा कि दो लफ्ज़ों में दो मिसरों में बड़ी से बड़ी बात कह दी जाती है गज़ल के अशार में, लेकिन जब उसके बाद तो लोगों का रुझान जो है गज़ल की तरफ बहुत कम हो गया और 30-25 साल के अंदर अंदर काफ़ी उस पर असर पड़ा। लेकिन हसरत का कारनामा यह है कि 20वीं सदी के शुरू में इन्होंने गज़ल की तरफ पूरी तवज्जो की और ख़ास तौर से इश्किया मज़ामीन को फिर से इन्होंने ज़िंदा किया, और ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है। और उस अगर हम 20वीं सदी के मशहूर शोरा की बात करें तो जिसमें आप हसरत मुहानी के साथ साथ अज़र गोंडवी हैं, जिकर मुरादाबादी हैं, फ़ानी बदायूनी हैं या फिराक गोरखपुरी हैं, तो उसमें हसरत मुहानी का एक नुमाया नाम आता है, नज़र आता है। तो इनके यहाँ इश्किया शायरी की फरावानी है, मजाजी रंग हावी है, जैसा कि हमने कहा इश्क हकीकी इश्क मजाजी, तो मजाजी रंग है। और सादगी और दिल पे असर करने वाली कीफ है, तो कोई भी शेर आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल हो, उसमें तो कोई फलसफियाना बात नहीं होती, बल्कि आप आसानी से उसको समझ लेंगे। आपने फिल्म निकाह देखी होगी तो उसमें एक चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, यह गज़ल हसरत मुहानी की है, इसको गज़ल मुसलसल कहते हैं, पूरी ख़ास कैफियत की इसमें तर्जुमानी की गई है। और इनका ख़ुद ख्याल था कि शेर दरअसल हैं वही हसरत, सुनते ही दिल में जो उतर जाए, आपने शेर सुना हो समझ में आ गया, दिल में आपके बात बैठ गई जो है। तो ये ज़ाती महसूसात और जज्बात की शायरी है, लब व लहजे में इनके सदाकत है, कलाम में रंगीनी और बयान की शीरीनी की फ़ज़ा कायम है, तसव्वुर इश्क मादी और हकीकी है,
मादे का मतलब मैटेरियलिस्टिक होता है, यानी हमने जो है दुनिया में इश्क किया है, हकीकी इश्क नहीं किया है। अब वहाँ जो बात की गई है वो सदाकत पर मबनी है। जज्बात के इजहार में बहुत मतानत और संजीदगी का मुजाहरा किया है, यानी उसमें कोई फक्कड़पन नहीं है अपने महबूब से, बल्कि उनका एक शेर तो यह है कि क्या है वो, उनकी तस्वीर भी आँखों से लगाई, यह भी आदाब मोहब्बत ने गवारा न किया, उनकी तस्वीर भी आँखों से लगाई न गई। तो एक पासदारी एक वफा का ख्याल, जज्बात का ख्याल और पाकिजगी का ख्याल इनके यहाँ बहुत है। तो अच्छा, इनके जाहिर बात है कि मीर से भी ये मुतासिर थे, गालिब से भी इनको अपना मानवी उस्ताद बनाया, मोमिन, मुसफ़ी, नसीम वगैरह जो है ये इनसे सबसे इस्तफादा किया है। इसी वजह से इनके शायरी में एक अलग कैफियत नुमाया नज़र आती है, और शहरी खिदमात की बिना पर इन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन के लकब से याद किया गया है। इन्हें दो लकब दिया गया था, रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन, रईस कहते हैं सरदार को, जो रईस यानी गज़ल के कहने वालों में जो नुमाया नाम है जिसकी अहम खूबी है वो रईस है, गज़लों का रईस। इसी तरह एक बात और आई थी कि रईसुल अहरार, आज़ादी के सिलसिले में जब हुर कहते हैं आज़ाद, हुर अहरार की जमा है, अहरार हुर की जमा है, हुर कहते हैं उस आदमी को जो गुलाम ना हो, जो आज़ाद हो, तो उसकी आज़ादी के जज्बे को देखते हुए इन्होंने को रईसुल अहरार भी कहा गया, और इनकी शहरी खिदमात को देखते हुए इन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन के लक़ब से याद किया गया। तो इस तरह आप देखते हैं हम गज़ल, चूँकि गज़ल पे पहले भी कई उस पर बात हो चुकी है, गज़ल के फ़न पे, गज़ल के मौजूदात पे, और उसकी तकरार यहाँ पर मुनासिब नहीं समझते हैं, बल्कि ये आपकी किताब में भी दिया कि गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल के मौजूदात क्या क्या हो सकते हैं, इसको आप खुद देखेंगे तो उसको हम नज़रअंदाज करते हुए आज जो गज़ल पढ़ी जानी है उस पर तवज्जो कर रहे हैं। क्या बात है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक और सवाल मेरे जहन में था, अभी आप बोल रहे थे कि 20वीं सदी में वो उसके पहले जो मुखालफत हुई थी लोग घेर लेते थे, उसके बाद फिर जब हसरत मोहानी जी आए उन्होंने एक अलग से एक एटमोसफियर बनाया, 21वीं सदी में इस खास अगर इस तगैयर की हम बात करें तो अब कहाँ हम गज़ल के हवाले से खड़े हैं, जो पूरा सरमाया अगर हम एक बात करें। देखिए, जो भी शायर जब शायरी शुरू करता है तो सबसे पहले वो गज़ल कहता है। अब देखिए, कसीदे का दौर नहीं था, कसीदा जो है दरबारों से वाबस्ता, तो आप बादशाहों की नवाबों की तारीफ करें तो आपको उसको मतलब उसका सिला मिलता था। अब वो लोग रहे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो दौर ख़त्म हो गया, तो कसीदा ख़त्म हो गया। बहुत कम लोग ऐसे जो है कुछ मनकबत वगैरह कहते हैं या किसी की तारीफ़ करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इसी तरह एक उर्दू शायरी की एक खास थी मसनवी, अब मसनवी का भी दौर नहीं रहा, जो है तवील मसनवियाँ लिखी जाती थी, दास्तानवी अंदाज में होती थी वो किस्से कहानी, और माफोकुल फितरत अनासिर होते, यानी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की उसमें भरमार होती थी। तो मसनवी भी गई, कसीदा भी गया, मरसिए का भी दौर नहीं रहा। मरसिया ख़ास एक दौर से था और ख़ास एक तहजीब से वाबस्ता था, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत मैदान करबला में, जिसमें उन्होंने अपने 72 साथियों को शहीद हो गए, 72 साथियों के साथ जो है, तो मरसिया वहाँ से ताल्लुक़ रखता है। शख्सी मरसिया भी है तो होता है, और करबलाई मरसिया, करबलाई मरसिया वो है जो करबला से ख़ास मखसूस हो। तो ये तीन असनाफ में अब कोई इतना शायरी नहीं होती रही है, लेकिन गज़ल आज भी अपनी पूरी तवानाई के साथ, पूरी ताकत के साथ ज़िंदा है। और चूँकि गज़ल में जैसा कि हमने कहा कि इसमें दो मिसरों में एक बड़ी से बड़ी बात की जाती है, कह दी जाती है, जो हम पूरी तकरीर में नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू में नहीं कह सकते। जानिसार अख्तर का शेर है कि मुझसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, मुझसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। तो ये बात है जो गज़ल में, क्या बात। तो हम तो आइए अब सबसे पहले तो हम इसका आज की गज़ल कैसी, इस बारे में आज की जो गज़ल पढ़नी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये किताब में आपकी देखिए कि गज़ल इस तरह लिखी हुई है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा इसमें तब्दीली की है, क्योंकि गज़ल में मतला भी होता है, काफिया भी होता है, रदीब भी होती है, मक्ता भी होता है, तो उसकी हमने निशानदेही की है। आप देख सकते हैं कि पहला जो शेर है वो मतला है, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। तो पहले शेर में अच्छा अंजुमन आया है और चमन आया है, लफ्ज़ ये दोनों लफ्ज़ आपस में काफिया हैं, और पूरी गज़ल में रदीफ जो है उसकी तकरार हो रही है, लफ्ज़ है तमाम। आप तमाम लफ्ज़ देखें तो हर शेर के दूसरे मिसरे में तमाम लफ्ज़ आया है और पहले शेर के दोनों मिसरों में आया है, तो इसलिए इसको मतला कहते हैं। मतला कहते हैं तुलू होने की जगह, यानी जहाँ से गज़ल शुरू हो रही है उसको हम मतला कहते हैं। इसी तरह मक्ता उसको कहते हैं जहाँ कता, मक्ता का मतलब होता है कता करना, ख़त्म करना,
तो जहाँ शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब अब शायर ने अपना नाम इस्तेमाल कर लिया, अब उसके आगे कोई शेर नहीं, यहाँ पे शेर गज़ल ख़त्म हो जा रही है। इस गज़ल में देखिए जो है कि 5-6 अशआर है तकरीबन। तो पहला शेर जो है कि रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतश गुल से चमन तमाम। इसको बहुत से लोग पहला लफ्ज रोशन पढ़ते हैं, लेकिन रोशन ना पढ़ के अगर आप रोशन पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा मुनासिब है। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतश गुल से चमन तमाम। अब जमाल यार यहाँ पे जो है वो मरकज़ी लफ्ज़ है, अगर हम देखेंगे एक तरकीब है, यानी दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाया गया जमाल यार, यानी महबूब की या दोस्त की खूबसूरती, उसका हुस्न ऐसा है जिसकी वजह से जो है पूरी अंजुमन जो है वो लगता है कि दहक गई है। कोई चीज़ दहकती है तो किस तरह दहकती है, जब वहाँ आग जला दी जाए तो लगता है कि उस आग के असरात जो है आस पास नज़र आते हैं। तो शायर का जो तखय्युल काम कर रहा है वो कहता है कि जो भी चमन में जो कुछ गर्मी है वो कुछ उसकी किसकी वजह से है, जमाल यार की यानी महबूब के हुस्न की गर्मी की वजह से है। अब महबूब को क्या कहा है कि दहका हुआ है आतशे गुल, आतशे गुल यानी गुल की आग, क्योंकि गुलाब जो है लाल होता है अक्सर जो है वो खूब सुर्ख होता है और आग भी सुर्ख होती है। अच्छा, तो एक रियायत से उन्होंने जोड़ा है उसको जो है कि आतशे गुल। तो और महबूब को जो है फिर आतशे गुल का एक इस्तियारा इस्तेमाल किया है, यानी मेटाफर जिसको हम कहते हैं, वो नहीं कहा कि गुल की तरह नहीं है, गुल है आतशे गुल कह दिया, यानी फूल का आग, जिस तरह फूल जो है सुर्ख होता है और लगता है कि आग भी वैसे सुर्ख होती है। तो उस तरह तो इसमें वही एक दूसरे मिसरे में आतशे गुल इस्तियारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद महबूब का सुर्ख और तमतमाता हुआ चेहरा है। शायर ने महबूब के चेहरे को गुलाब कहा है और गुलाब आग की मानंद सुर्ख होता है, लिहाजा महबूब के चेहरे की गर्मी से पूरा चमन गर्म हो गया है। इस शेर को इश्क हकीके के तनाजुर में भी देख सकते हैं, यानी तो हमने कहा था कि इश्क हकीके इश्क मजादी जो है कहीं कहीं इनके यहाँ इश्क हकीके का तसव्वुर मिलता है। अब दूसरा शेर देखिए, हकीकी मतलब दोबारा हम बता दें, अल्लाह से जो निस्बत है उनकी बात करें वो इश्क हकीकी। हाँ जी जी। और जो इश्क मजादी है वो मानव प्रेम की बात हो रही है। हाँ, मानव प्रेम की बात है जिसमें इंसान का इश्क इंसान से होता है, दुनिया से होता है, और इश्क हकीकी वो है जिसमें जो है अल्लाह ताला की ज़ात से जो है लगाव पैदा किया जाए, इश्क किया जाए। अब दूसरे मिसरे में देखिए, दूसरे शेर में देखिए, हैरत गुरूर हुस्न से नहीं देखो तो चश्मे यार की जादू निगाहियाँ, देखो तो चश्मे यार की जादू निगाहियाँ। इसमें एक शेर छूट गया कहीं पर, चलिए, ये हैरत गुरूर हुस्न से शोखे से इस्तराब, दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम। कहते हैं दो चीज़ें, पहले मिसरे में क्या कहा, हैरत वो कहाँ से मिली, महबूब का जो हुस्न है उसकी वजह से उसको तकब्बुर है, गुरूर है, घमंड है। अच्छा। तो उसको अच्छा इतना इतनी खूबसूरती है कि अब कोई भी देखता है तो हैरत में पड़ जाता है, और शोखी से इस्तराब, और उसके अंदर जो शोखी है, जो अदाएँ हैं उससे बेचैनी, इस्तराब कहते हैं बेचैनी को, परेशानी के माने भी हो सकता है। तो महबूब के हुस्न से उसने दो चीज़ें सीखी हैं, एक तो हैरत में पढ़ना, हैरत गुरूर हुस्न से शोखी से इस्तराब, दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम, यानी महबूब की जो अदाएँ हैं, जो कुछ उसकी खूबियाँ हैं, जो आशिक के अंदर भी वो उसने आशिक ने भी अपने अंदर उसको पैदा कर लिया है। यहाँ शायर ने इस हकीकत का इजहार किया है कि आशिक की ज़ात में माशूक का अक्स नुमाया हो गया है। ये कुदरती बात है कि आशिक को माशूक की अदा पसंद होती है, और उन अदाओं से वो न सिर्फ लुत्फानंदोज़ होता है बल्कि उसे एक तरह की तमानियत और सुकून का एहसास होता है। महबूब को अपनी खूबसूरती के एहसास से एक तरह का तकब्बुर और गुरूर पैदा हो गया है, जिस पर आशिक को हैरत और उसकी शौकियों और अदाओं से बेचैनी मिली है, यानी आशिक के दिल ने महबूब के तमाम तौर तरीके अख्तियार कर लिए हैं। देखो तो चश्मे यार की जागरा शहर है, देखो तो चश्मे यार की जादू निगाहियाँ, बेहोश एक नज़र में हुई अंजुमन तमाम। तो आप मतलब समझ गए, जाहिर बात है कि आप जिस तरह से इसका रिएक्शन दिया जो है, का मतलब ये कि आपको ये शेर पसंद आया। इसमें जाहिर बात है कि लोग कहते हैं भाई उसकी आँख में तो जादू भरा हुआ है, जादू जैसी, यानी जो भी उसको देख ले, या महबूब किसी को देख ले, या जो महबूब को देख ले, तो फिर अपने आप में नहीं रह सकता। कमाल की बात ये कि वो एक दो लोग बेहोश नहीं, पूरी मंजूमा, पूरी महफिल को, और आँखों में कहिए तो मैखाने से भी तस्वीर दी जाती है, ऐसा शराब होता है मखमूर आँखें जिसको कहते हैं, यानी खुमार आलूद,
जिसमें शराब की जैसी कैफियत होती है कि जो उसको देख ले तो उसको कैफियत वो आपको वो मराब जानदा में वो शहर है इन आँखों की मस्ती के मैखाने हज़ार तो वो उसको तो इसी तरह कहना कि मैं यहाँ जो है इस शहर में महबूब की आँखों की खूबसूरती बयान की गई उसमें जो जादू भरा हुआ उसके असरात का जिक्र किया गया है। देखो तो यहाँ शायर ने अपनी हैरत के इजहार से देखो तो आप अगर आप देखो तो चश्मे यार की जादू निगाहियाँ तो यहाँ देखो तो पे जोर दे के अगर हम पढ़ें तो बात ज़्यादा वाजे होगी। यहाँ शायर ने अपनी हैरत के इजहार से महबूब की जादू भरी निगाह को और पुरकशित बना दिया है। एक तो महबूब का हुस्न और दूसरे उसकी जादू भरी निगाह अच्छा है। अगला शेर अच्छा है ऐ लजोर किए जाएँ सख्तियाँ फैलेगी यूँ ही शोरिश हुब्बे वतन तमाम। ये शेर हसरत की सियासी सरगर्मियों की तरफ इशारा करता है। जैसा कि शुरू में वजाहत की गई कि एक बहुत बड़े मुजाहिदे आज़ादी थे और उनको आज़ादी का जज्बा उनके अंदर कोट कोट कर भरा हुआ था और उनको बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों ने परेशान भी किया। तो ये शेर उसी की तरफ इशारा करता है कि उनको जो बागियाना तेवर थे इनकलाबी और पुरजोश तबीयत की वजह से कई बार वो जेल भी गए। हुकूमत बरतानिया की उन पर कड़ी नज़र थी और उन्हें तरह तरह से परेशान करती थी। इसीलिए हसरत कहते हैं कि अहले जोर यानी जुल्म सितम करने वाले मुझ पर और सख्ती करते जाएं। सख्ती करने को उन्होंने क्या लिया एक अच्छे अंदाज में लिया है उसका कि जिस तरह सख्ती मुझ पर करते जाएंगे ये बात दूर तक फैलेगी और जब उसकी वजह लोग तलाश करेंगे तो पता चलेगा कि अंग्रेज़ों की वजह से सख्ती हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तहरीक आज़ादी में शामिल होंगे और आज़ादी की तहरीक को जो है ज़्यादा कुव्वत मिलेगी ज़्यादा ताकत मिलेगी जो हमारे लिए बेहतर हो गए जो है। अगला शहर है कि समझे हैं अहले शर्क को शायद करीब मर्ग समझे हैं अहले शर्क को शायद करीब मर्ग मगरिब के यूँ हैं जमात जागो जगन तमाम। इसमें तीन लफ्ज़ मुश्किल हैं तो पहले मिसरे में पहला लफ्ज़ है शर्क। शर्क कहते हैं मशरक़ को यानी ईस्ट को। ये एक पूरे कल्चर से ताल्लुक़ होता है जिस इसी तरह दूसरे मिसरे में आया है मगरिब 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 को हम वेस्ट कहते हैं। तो ये दो कल्चर की बात होती है कि ईस्टर्न कल्चर है एक वेस्टर्न कल्चर। ईस्टर्न कल्चर जो हिंदुस्तान का है जहाँ हम लोग रह रहे हैं ये ईस्टर्न कल्चर। और इसी तरह इसमें दो लफ्ज़ और हैं एक जाग कहते हैं कौबे को और जगन कहते हैं चील को। जागो जगन जाग माने कौवा कौवा और जगन माने चील। तो कहते हैं अहले मगरिब को क्या कहा यानी अहले मगरिब ने यह समझ लिया कि अब जो पूरी मशरकी तहजीब के लोग जो हैं अब वो शायद ख़त्म होने के करीब हैं मरने के करीब हैं। तो मरने के बाद कोई मर जाता है तो चील कौवा की उसके लाश को खाते हैं। तो हसरत ने शायद ने यहाँ पर मगरिब के लोगों को क्या कहा कि ये चील और कौवे की मानंद है और उन्होंने ये समझ रखा है कि अहले शर्क जल्द ही ख़त्म होने वाले हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है बल्कि उनको एक इशारा दिया है कि उनका ये कैफियत इस तरह वो सोच रहे हैं जो कि उनकी गलत सोच है उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है जी। अब उनकी सोच के हिसाब से वो था जैसे उन्होंने बोला शेर को ईस्ट और वेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं कि दुनिया जो फना होने वाली एक कैफियत से समझ में आ रही जो भी शेर के उससे हमने समझा तो वो उनका उस समय का इंतखाब उस समय का था जी। हम तो ज़ाहिर पर तो दुनिया के फना के बारे में अलग अलग तस्वुर बहुत है बहुत काफ़ी शायरी में इसका इजहार किया गया मुख्तलिफ शुरा ने जो है जी जी आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह बात आगे चलते हैं शीरीन ये नसीम है सोज़ो गुदाज मीर हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फ़ सुखन तमाम। शीरीनी कहते हैं मिठास को शीरीन ये नसीम है शीरीन ये नसीम यानी नसीम की शीरीनी नसीम इनके उस्ताद के उस्ताद थे इनके उस्ताद के उस्ताद थे। तो उनके कलाम की जो खूबी है उनके कहने हसरत ये कह रहे हैं कि मैंने वहाँ से उस खूबी को लिया है और इसी तरह सोज़ो गुदाज मीर मीर तकी मीर एक अहम शायर हैं और गालिब से पहले का दौर है उनका लेकिन उनकी शायरी भी बहुत अहम है। उनके यहाँ जो सोज़ो गुदाज है बहुत कम लोगों के यहाँ है। तो कहते हैं वो सोज़ो गुदाज शीरीन ये नसीम है सोज़ो गुदाज मीर हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फ़ सुखन तमाम। लुत्फ़ सुखन माने सुखन के लुत्फ बातचीत के गुफ्तगू का मज़ा लुत्फ माने मज़ा मज़ा हाँ सुखन माने गुफ्तगू बात। तो कहते हैं यहाँ मुराद शायरी से यानी हमारी शायरी में हमारे कलाम में जो भी लुत्फ है वो तो उसमें दो चीज़ें हैं एक तो नसीम हमारे उस्ताद जो हैं उस्ताद को उस्ताद उनकी शीरीनी या मिठास वहाँ से लिया और मीर का सोज़ो गुदाज हमने लिया जो है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फ़ सुखन तमाम यानी इससे आगे कोई शायरी
बेहतर नहीं हो सकती, इसी पर लुत्फ सुखन यानी इस बात की गुफ्तगू का बंदात मज़ा यहाँ पर ख़त्म हो गया। शायर ने इस शेर को में ताली का इज़हार किया है। ताली एक लफ्ज़ है जिसमें अपने कलाम की खूबी बयान की जाए, उसको हम ताली कहते हैं। तो एक शेर और है जी, चलिए जल्दी से सुन लेते हैं, एक मिनट का समय बाकी है जी। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि पूरी गज़ल हसरत के ख़ास रंग की तर्जुमानी करती है, ख़ास कैफियत की तर्जुमानी करती है। हमारे निसाब में इसको शामिल किया गया है और जाहिर सी बात है कि हसरत को जानने के लिए, समझने के लिए सिर्फ़ एक गज़ल से हम नहीं समझ सकते हसरत को, जब तक कि हम उनके और कलाम को ना पढ़ें। चूँकि निसाब की मजबूरी होती है, दरसियात की मजबूरी होती है कि वहाँ इंतखाब होता है, तो गज़ल की हसरत की एक गज़ल शामिल की गई है। लेकिन हसरत की आप दूसरी गज़लें पढ़ें तो हसरत को आप बहुत आसानी से समझेंगे भी, और तहरीक आज़ादी से जो उनका ताल्लुक़ था उसको भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हसरत ने किस तरह चक्की की मशक्क़त के साथ मशक़ सुखन जारी रखा। जाहिर बात है अगर हम देखें तो उन्होंने तकरीबन 54 साल 54 साल तक शायरी की है, 54 साल, और आज ही से ज़्यादा शायरी उनकी जो है कैद में हुई है, जेल में। तो जाहिर बात है वहाँ जो परेशानी थी, जो मुसीबतें थी, परेशानियाँ थी, चक्के की मशक्क़त थी, वहाँ इस तरह के अशआर नहीं कहे जा सकते थे। लेकिन शायर का मिजाज यानी हसरत का मिजाज ऐसा था कि उसने चक्के की मशक्क़त और दोनों को अपने मिजाज से हम आहंग कर लिया था, यानी जो भी उसके परेशानी थी, जो मुसीबतें थी, उसकी तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी, बल्कि उनके अंदर जो एक फितरी सलाहियत थी उसको बरूए काल लाने की कोशिश की है। बहुत कमाल किया। हसरत मोहानी एक बहुत ही मकबूल नाम है शायरी की दुनिया में, आप उससे ज़रूर वाकिफ़ होंगे, और अब तो खैर हो ही गए होंगे जिस तरीके से पूरा हमने ये सेशन देखा। वक्त बहुत मुख्तसर था इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सेशन को हमें यहीं पर ही समाप्त करना होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा, मुझे तो बहुत ही कमाल लगा, और भी हसरत मोहानी जी की जो गज़लें हैं मैं उनको पढ़ने वाला हूँ, सीखने वाला हूँ और आनंद लेने वाला हूँ। आप भी ऐसा ही करें। अगर जिन्होंने इस सेशन को मिस किया है वो NCERT ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर लिंक अवेलेबल है, इसको दोबारा से आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा क्या करेंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और PME विद्या के जितने भी कार्यक्रम हैं उनसे आप जुड़ते चले जाएँ, देखते चले जाएँ। अगला जो सेशन है वो है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन पार्ट सेकंड की हम बात करेंगे, सब्जेक्ट है साइंस, कक्षा है 9, कहीं मत जाइए। लेकिन इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में, आपका भी शुक्रिया बच्चों, आपका भी शुक्रिया, बहुत अच्छी गज़ल हमारे बच्चों को सुनाई और उससे भी जुड़ी खास बातें बताएं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाइए मत, लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद, स्टेशन ट्यून।